वेकेशन आ गई, वहाँ जाने का इंतजार नहीं हो रहा। जेन तुम तैयार हो? एडवेंचर्स हमारा इंतजार नहीं करेंगे, लगभग हो गया। मुझे कुछ और चीजें भी पैक करनी है, पर गर्ल्स को अपने सामान को लेकर परेशानी हो रही है। उन्हें इतने कम सामान के साथ ट्रेवल करने की आदत नहीं है। जेन मुझसे नहीं हो पाएगा, पर सबसे अच्छे आइडियाज अचानक ही आते हैं। हमें एक बड़ा सा सूटकेस बनाना चाहिए। चलो शुरू करें। चलो सोफी, ये क्या है दोस्त? ये नया सूटकेस बनाने के लिए है। सबसे पहले हमें बेस को दो हिस्सों में काटना होगा। मेजर करके मार्क करें। हाँ, ये रहा हेड सो। हट जाओ, प्रोफेशनल आ गई है। इतना मुश्किल नहीं था, एक जैसे लग रहे हैं, पर एक एक्सपीरियंस्ड बिल्डर सब दो बार चेक करता है। बहुत खूब जेन, सही जा रही हो। और यहाँ साइड वॉल्स लगेंगी। अब इन बीम्स पर फास्टनर्स बनाने होंगे। मुझ पर विश्वास रखो दोस्त, आसान है। सोफी भी 100 से काम कर सकती है। अब हम बीम्स को बेस पर लगाएंगे। मुझे इस तरह का सेल्फ टेपिंग स्क्रू चाहिए। लो, हो गया। एक बच्चा भी ये कर सकता है। आगे क्या करना है? जेन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। क्या, मैंने कहा मुझे इसी की जरूरत थी। अच्छा, काम पर लगी रहो दोस्त। साइड वॉल्स यहाँ लगाते हैं। ये जेन के लिए सही है। आधा सूटकेस तैयार है। आराम करने का वक्त नहीं है, हमें एक और चाहिए। मैं अभी आई जेन। सोफी, तुम जादूगर हो। हाँ दोस्त, चलो अब एक बड़ा सूटकेस बनाने के लिए इसे जोड़ें। अच्छा लग रहा है, हमारा सपना जल्द ही सच हो जाएगा। पर सूटकेस बहुत चुभ रहा है। आउच, स्प्लेंटर। हमें कुछ करना चाहिए। जेन, मेरे पास एक आइडिया है, हमें फोम की जरूरत है। सोफी, तुम जीनियस हो, अब और स्प्लेंटर नहीं लगेंगे। देखो मेरे पास क्या है, इससे काम बन जाएगा, कीले भी नहीं चुभेंगी। माउंटिंग फोम पर फोम लगाएं। तेज और आसान। यूटिलिटी नाइफ से बचे हुए हिस्से काट दें। पर सिर्फ इतना ही नहीं, हम किनारों को ग्राइंड कर देंगे ताकि वो तीखे ना रहे। परफेक्ट। कुछ कमी है, सूटकेस बड़ा होने के साथ साथ खूबसूरत भी होना चाहिए। हमें फैब्रिक से कवर करना होगा। चलो अच्छे से लगाने के लिए फर्नीचर स्टेपलर का इस्तेमाल करें। बस हो गया, लेवेंडर सूटकेस बहुत सुंदर लगेगा। हमें अंदर के डिजाइन के बारे में सोचना होगा। क्या तुम तैयार हो जेन? बिल्कुल सोफी, लेवेंडर और ब्लू एक साथ बहुत सुंदर लगते हैं। सबसे मजेदार हिस्सा अभी बाकी है, सूटकेस खुलना और बंद होना चाहिए। कैसे होगा? चिंता मत करो सोफी, हम कर सकते हैं। हम कोनों पर मेटल कॉर्नर्स लगा देंगे। अब ये मूव हो पाएगा। सूटकेस का हैंडल कहाँ लगेगा? सीधा करो सोफी। ये रहा हमारा हैंडल। तुम्हारी स्क्रू गन कहाँ है जेन? ये रही। अब ये एक असली सूटकेस लग रहा है, पर ये बहुत भारी है। तो वेकेशन कैंसिल? मैं जानती हूँ जेन, सूटकेस को कैस्टर्स की जरूरत है। हाँ, ये कैसे रहेंगे? हाँ, अब हमें इन्हें लगाना होगा। अब सूटकेस हल्का लग रहा है। अच्छा काम किया, हाई फाइव सोफी। क्यों ना इसे डेकोरेट करें? हम वेकेशन पर जा रहे हैं। हाँ, हम फ्लावर प्रिंट बना सकते हैं। क्या सच में ये लगाने वाली हो? हाँ सोफी, बहुत अच्छा लगेगा सच में। ये है एक बीच डिजाइन। यहाँ फूल भी लगा सकते हैं। सबको पता चलना चाहिए हम वेकेशन पर आए हैं। तुम्हें पसंद आया सोफी? अच्छा है, अब पैकिंग करते हैं, हम लेट हो रहे हैं। जेन, मैं तैयार हूँ। और तुम? मैं भी। अब सारा सामान सूटकेस में डालना होगा, इसमें काफी सारी जगह है। सब पूरा आ जाएगा, वेकेशन में किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। सही कहा ना?
हमें कुछ भूलना नहीं चाहिए। लगता है कुछ ज्यादा हो गया जेन। घबराओ मत, कोई बात नहीं, पर हम फेल हो गए। इन सब चीजों के लिए ये बड़ा सूटकेस भी छोटा पड़ गया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बंद नहीं होगा। चलो जेन करो, मैं कोशिश कर रही हूँ सोफी, कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं। पर वेकेशन का क्या होगा? जेन मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम ठीक हो सोफी? कहीं जाना मत, मैं अभी आती हूँ। सोफी कहाँ गई? इस बार वो क्या करने वाली है? वेकेशन का वक्त खत्म होता जा रहा है, वो क्यों नहीं आ रही? दोस्तों को कॉल करते हैं और उन्हें वेकेशन के बारे में बताते हैं। स्पोर्ट भी जरूरी है, सुबह की कसरत छोड़नी नहीं चाहिए। क्यों ना सूटकेस से उन चीजों को हटा दिया जाए जिनकी जरूरत नहीं है। फ्लिपर्स किसी काम के नहीं है, योगा मैट की जरूरत भी नहीं होगी, पर फिर भी बंद नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं सो नहीं रही। तुम कहाँ हो सोफी? जेन शांति से नहीं बैठ सकती, क्यों ना कैंप चेयर बना ली जाए? उसकी पक्का जरूरत होगी। सारे पीसेस जोड़े और स्क्रू लगाए। पजल से भी आसान है। बहुत खूब, कुर्सी का एक हिस्सा तैयार है। ये रहा दूसरा, दोनों को जोड़े। ये बन गया। कुर्सी को फोल्ड भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। ये रही सीट। रुको, हर कुर्सी के साथ एक टेबल जरूरी होता है। जेन ये भी बना सकती है, वो भी एक फोल्डिंग टेबल होगा। टेबल टॉप लगाएंगे। अब आप आराम से बाहर पिकनिक मना सकते हैं। सोफी बहुत खुश हो जाएगी, पर वो है कहाँ? तुम वेकेशन के लिए इतना लेट कैसे हो सकती हो? अब आई हो, क्या तुम ठीक हो? हाँ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। वाओ, वही चीज पर और भी ज्यादा बड़ी। शानदार वेकेशन के लिए गीगा सूटकेस। सोफी, तुम हमारी हीरो हो। तुमने ये कैसे किया? बाद में बताऊंगी, अभी पैकिंग करते हैं। जो जो सूटकेस में नहीं आ रहा उसे इसमें डाल दो। तुम अपने साथ कुछ भी ले जा सकती हो। वेकेशन अब शुरू होगी। आखिरकार हम पहुंच गए। आसान नहीं था। चलो यहीं रुकते हैं, अच्छी जगह है सोफी। अगर बारिश या तूफान आ गया तो कोई बात नहीं, ये सूटकेस एक छोटे से घर में भी बदल सकता है। जेन, हमें रस्सी की जरूरत है, लंबी और लंबी। उस ब्रांच पर लगाओ। हो गया। अब हमें रस्सी को सूटकेस से हुक करना होगा और फिर खोलना होगा। सिर्फ 5 मिनट लगे और घर तैयार है। छोटे सूटकेस से एक आरामदायक सोफा बन सकता है। अब अनपैकिंग। हमें इस टेबल क्लॉथ की जरूरत होगी। वाटर बॉटल बाद में करेंगे। सबसे जरूरी बात है कि फूल सुरक्षित है। सारी चीजें आ गई, पर हिल्स की कोई जरूरत नहीं है। खुले में डिनर पार्टी नहीं हो सकती। चीजों को सीधा हैंगर्स पर लगाएं। ये रहा टेबल। स्नैक्स भी तैयार है। जेन, लाइट कम है। अच्छी बात है, हम लाइट्स भी लेकर आए। अब यहाँ रात में भी रोशनी रहेगी। बहुत खूबसूरत है सोफी। सोफे को और सॉफ्ट बनाने के लिए उस पर ब्लैंकेट बिछाएंगे। टॉयज सोफे पर होने ही चाहिए। हमें इसकी क्या जरूरत है? अरे हाँ, हम एक शेल्फ भी बना सकते हैं। इस सूटकेस हाउस में एक चीज की कमी है, बस कुछ स्क्रू लगाने होंगे और ये तैयार है। अब सुंदर डेकोरेशन बनाते हैं। वॉश क्लॉथ से भी डेकोर की चीजें बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लग रहा है। देखो, हम एक वॉश क्लॉथ और कार्डबोर्ड कोन को जोड़ सकते हैं। सूटकेस का डिजाइन बहुत टेस्टी लग रहा है। शेल्फ पर ब्यूटी का सामान रखा जा सकता है। ट्रांसपोर्टेबल घर बहुत अच्छा लग रहा है। बू, तुमने मुझे डरा दिया जेन। क्या अब हम कुछ खा सकते हैं? अच्छा आइडिया है। स्नैक्स तैयार है। मजे से खाओ सोफी। ये बंस चाय के साथ और टेस्टी लगेंगे। यम्मी। आज हमारा मनपसंद शो आना है। चलाओ। वेकेशन बहुत कमाल की है। ट्रैवलिंग में सबसे जरूरी चीज सूटकेस है। बड़ा और लंबा चौड़ा।